हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी को हैप्पी विजयादशमी। तो इस खास अवसर पर मैं आज शेयर करने वाली हूं एक नए तरह की नमकीन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बनी है बहुत ही टेस्टी। तो चलिए ये आसान नमकीन की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ये नमकीन बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप मैदा। आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। ये 350 ग्राम मैदा है। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल देती हूँ स्वादानुसार या 1 छोटा चम्मच नमक, 1/3 छोटा चम्मच कलंजी। इससे ये नमकीन में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। उसी के साथ डालेंगे 1/2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल। और अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो कलंजी की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, इसे मिलाने के बाद ऐसे मुट्ठियाँ जैसे बनना चाहिए, ये देखिए ऐसे। इससे हमारा नमकीन बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और थोड़ा सा सख्त आटा गूंथेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डाल के थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल करें और आटे को हमें मसल मसल कर गूंथना है। और दोस्तों, ये डो को हमें ज़्यादा सख्त या ज़्यादा नरम नहीं बनाना है, बस हल्के से सख्त रखना है। मतलब जैसे हम नॉर्मल पूरी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे रखना है। 2-3 मिनट इसे थोड़ा सा गूंथने के बाद हथेलियों के पीछे वाले हिस्सों से ऐसे दबा दबा के अगर आप ये आटे को माथेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ सेकंड्स इसे ऐसे गूंथ लूँगी और फिर ये डो को मैं एक बाउल में रख दूँगी। देखिए, डो को ऐसे रखना है। ये ज़्यादा नरम भी नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है, नरम और सख्त के बीच रखना है। तो अब एक गीले कपड़े से ढक के डो को रेस्ट करने देंगे लगभग 15 से 20 मिनट। आप चाहे तो इससे कम भी रख सकते हैं। 20 मिनट के बाद ये देखिए, डो हमारा सेट हो गया है। तो अभी एक चकला ले लेते हैं और ये डो को थोड़ा सा लंबा करके एक चाकू की मदद से इसके एक ही जैसे 3 टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी इसे तोड़ सकते हैं। अभी इनमें से 2 को साइड में रख दूंगी और इसे मैं अभी बेल लूंगी। तो पहले इसे 1-2 बार गूंथ ले और फिर इसे गोल करके ऐसे चपटा कर ले। इसे हमें बेलना है नॉर्मल रोटी चपाटी के जैसे। सेंटर और किनारों में एक ही जैसे थिकनेस रखने की कोशिश करें। और दोस्तों, इसे ज़्यादा मोटे ना बेले, थोड़ा सा पतले ही इसे बेले। ये देखिए, इसे मैंने बेल लिया है और इसकी थिकनेस ऐसे रखें, पर इससे ज़्यादा पतले ना बनाए, नहीं तो ये टूट जाएगा। दोस्तों, ये नमकीन को आप कोई भी शेप और साइज में काट सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप कोई भी कुकी कटर भी ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे। मैं अभी ये वाली कुकी कटर से इसे काट लूंगी। और ये देखिए कितना बढ़िया शेप निकल कर आए हैं। दोस्तों, अब तो जानते ही हो, हमेशा की तरह मैं कुछ नए बनाने की कोशिश करती हूँ। और बिल्कुल ऐसी तरह से हम सारे नमकीन की शेप्स काट लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आए तो आप इसे ज़रूर बना के उनको खिलाना, वो एकदम से खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आप ये नमकीन को कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर के बहुत दिन तक खा सकते हैं। और ये देखिए, सारे को मैंने बना लिया है। पर अगर आप कुकिंग कटर इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं तो पहले आप डो को रोटी चपाटी के जैसे थोड़े से पतले बेलें और चाकू की मदद से ऐसे इक्वली काट लें। एक साइड से ऐसे इक्वली काट लें और फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे काट लें। और ये देखिए कितना बढ़िया नमक पड़े बनके तैयार है। दोस्तों, इसे निमकी बोलते हैं बंगाल में। और कोई भी फेस्टिव सीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट नमकीन है। तो अब चलिए दोस्तों, 2 टाइप के नमकीन हम फ्राई कर लेते हैं। और ये नमकीन को फ्राई करने के लिए तेल को हमें मीडियम गर्म कर लेना है। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक छोटा सा नमक पड़े तेल में छोड़ देती हूँ। और ये देखिए, ये तैर कर ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब तेल हमारा ये नमकीन को फ्राई करने के लिए एकदम रेडी है। तो अब मैं एक एक करके ये नए शेप में बनी हुई नमक पारे को तेल में छोड़ देती हूँ। इसे हमें दोनों साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। कुछ सेकंड्स बाद इसे चम्मच से ऐसे पलट देना है और पलट पलट के इसे हमें फ्राई कर लेना है। इसको हमें फ्राई करना है एकदम मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम या लो फ्लेम ना दे। और कुछ देर बाद ये देखिए, नमक पारे की पहला बैच को मैंने फ्राई कर लिया है और दोनों साइड से इनको मैंने एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है।
आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। देखकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नमक पारे है दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी हुई है, तो बिल्कुल ऐसी तरह से हम इनके दूसरे और तीसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा नए शेप में बनी हुई नमक पारे बिल्कुल फ्राई होकर तैयार है। तो अब इसे साइड में रख के चलिए नॉर्मल और पॉपुलर शेप वाला नमक पारे को फ्राई कर लेते हैं। तो झटपट इसे हम तेल में छोड़ देते हैं। इसे भी हमें फ्राई करना है एकदम मीडियम फ्लेम पे। और कुछ देर बाद ये देखिए इसे मैंने एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना क्रिस्पी हुई है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा को जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये थोड़े से ठंड होने के बाद और भी क्रिस्पी होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप कौन सी शेप में ये नमकीन खाना पसंद करेंगे, ये नए शेप में या फिर ट्रेडिशनल नमक पारे की शेप में? फीडबैक देके मुझे ज़रूर बताएं। अब से दुकान का अनहाइजीनिक नमक पारे खाना भूल जाइए और अपने घर पर झटपट बना लीजिए ये बहुत ही कम सामग्री से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और आसान नमक पारे, वो भी नए स्टाइल में। तो दो टाइप के ये क्रिस्पी और टेस्टी नमकीन तैयार है। आप इसे अभी खा सकते हैं या फिर कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर बहुत दिन तक खा सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि आप इतनी टेस्टी और करारा नमकीन को इतने दिन तक रख पाएंगे। अब मैं आपको सुनाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बने हैं। तो सुना आपने? तो फीडबैक देकर मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमस किचन को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।